नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की ई श्रमिक कार्ड पोर्टल योजना। भारत के 130 करोड़ में से एक अनुमान के मुताबिक 38 करोड़ ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं। असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य, आपने देखा होगा कि जो काम का जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं वहां बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं जिनके यहाँ किसी के यहाँ 3 लोग काम करते हैं, किसी के यहाँ 5 लोग काम करते हैं, किसी के यहाँ 7 लोग काम करते हैं। हर घर में कुछ काम करने वाली बाइयां होती हैं, बर्तन मारने वाले होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं, कोई धोबी होता है, कोई कृषि कार्य करने वाला श्रमिक होता है, कोई घरेलू नौकर होता है, धोबी है, मिस्त्री है, नाई है, खाना बनाने वाला है, मोची है, दर्जी है, हाथ ठेला चलाने वाला है, स्ट्रीट वेंडर्स लाइक गुपचुप बेचने वाला है, फूल बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है। ये ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जिनका असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों से, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से तात्पर्य है। अब भारत की 130-135 करोड़ की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं ये अभी तक किसी सरकार को पता नहीं था। अब भारत सरकार ने क्या किया है, अगस्त 2021 में एक पोर्टल लॉन्च किया और एक योजना के तहत जिसे उन्होंने कहा ई श्रमिक पोर्टल योजना, ई श्रमिक कार्ड पोर्टल योजना। इसमें ऐसे लोग अपना पंजीयन करा सकते हैं और पंजीयन कराने के पीछे भारत सरकार की मंशा ये है कि एक ऐसा डाटा एकत्र हो जाए, एक ऐसा डेटा बन जाए जिसके आधार पर कोई भी कल्याणकारी योजना बनाने में मदद मिले ऐसे लोगों के लिए। और इसके अलावा रोजगार के कौन से नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं इस डेटा के आधार पे। लॉकडाउन के दौरान आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर जो पिछले 10-15 सालों से अपने गांव से बहुत दूर कहीं काम कर रहे थे, बिहार का मजदूर हरियाणा में बैठा हुआ है और राजस्थान में बैठा हुआ है, वहां पिछले 15 सालों से काम कर रहा है, वापस अपने घर चला गया। ऐसी स्थिति में क्या सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है जिससे कि पिछले 15 सालों से कोई आदमी अगर राजस्थान में काम कर रहा था, वापस अपने गांव बिहार चला गया, तो वहां उसे उस शहर में जहां का वो रहने वाला है वहां उसे वो फायदा मिल सके। या बिहार का कोई मजदूर, मध्य प्रदेश का कोई मजदूर जम्मू एंड कश्मीर में चला गया, दिल्ली में चला गया, तो वहां जहां वो काम कर रहा है वहां पर उसे सामाजिक योजनाओं का फायदा मिले। इस योजना के तहत उसे जो श्रमिक कार्ड बनेगा उसके आधार पर पूरे देश में जो भी शासकीय योजनाएं हैं उसका फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा। अब ये कैसे बनेगा, 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसे रजिस्ट्रेशन पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसे केवल 3 चीजें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आधार से लिंक्ड उसका जो मोबाइल नंबर है वो उसे लगेगा, और तीसरा बैंक अकाउंट नंबर उसे देना पड़ेगा जिस बैंक अकाउंट में उसे उसका फायदा डायरेक्ट उसे मिल सके। इसके अलावा इस रजिस्ट्रेशन में उसे अपना नाम, पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और उसे क्या कारीगरी आती है, उसका कौशल या स्किल क्या है, उन सब की जनरल जानकारी दे करके उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इस ई श्रमिक कार्ड के फायदे क्या हैं? 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसे मुफ्त में होगा। अगर आंशिक तौर पर वो अपने कार्य के दौरान विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। और भारत सरकार की जो सामाजिक सुरक्षाओं की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना,
नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अन्य जो भी भारत सरकार की सामाजिक योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उसका लाभ इन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को इस योजना के माध्यम से मिलने में मदद होगी और जो भी मदद उसे मिलेगी सीधे उसके बैंक अकाउंट में जाएगी। यही इस योजना जो कि ई श्रमिक कार्ड पोर्टल योजना कहलाती है का फायदा है। इन 38 करोड़ भारत के उन लोगों को जो असंगठित क्षेत्र से हैं, अतः आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर ऐसे लोगों को जानते हैं, अगर आपके यहाँ ऐसे लोग काम करते हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनका पंजीयन अवश्य कराएं, ये उनके लिए एक बहुत लाभकारी योजना है। धन्यवाद।